हम किसान भाई 10,000 रुपये लेकर आगे जाते हैं, 1 क्विंटल सोयाबीन लाते हैं। बीजू कुशवा हमारे पास ही खड़े हैं, उन्होंने अब की बार नहीं टेक्निकल खेती की है, वो दिखाएंगे आपको। हमें कितना घाटा लगता है सोयाबीन, सोयाबीन की हालत देखो कैसी है, ये देखो सोयाबीन सभी के खेत में ऐसी है। और इस प्रकार हम सोयाबीन की खेती करेंगे, 10,000 रुपये क्विंटल का भाव लेंगे और 3,000-4,000 रुपये क्विंटल बेचेंगे, तो क्यों ना हम कुछ कपास की खेती भी करें। और कपास की खेती आप चारे से डरते हो, कुछ नहीं, 72 घंटे वाली दवाई इसकी भी चल गई है, 40 रोज चारा नहीं होता इसमें। चलो मैं बीजू का कपास दिखाता हूँ, आप ये सोयाबीन देखो, पहले ये सोयाबीन देखो, और ऐसा नहीं है सभी के खेत में सोयाबीन ऐसी है, कोई तो दो दो बार चारा मार दवा डाल देता है मगर चारा नहीं जला। ये देखो अब आपको दिखाएंगे कपास की कंडीशन, अब ये कपास देखो, ये देखो ये कपास, सिर्फ 2 पानी लगा, गर्मी में 2 पानी दिए और उगा लिया कपास, देखो कितना प्यारा कपास है। और दीपावली पे इसका काम तमाम हो जाएगा, 15 रोज समझ लो बाद में। और गेहूं बोलो, अच्छे गेहूं पैदा होंगे, खेत साफ रहेगा, सांटी का कचरा काम आएगा। ये देखो कपास, हम किसान भाई अब कपास की खेती शुरू करना पड़ेगी, और कपास का भाव कम से कम 9,000-10,000 रुपये क्विंटल बिकती है। ये देखो खेत, पुराने युग में पहुंचना पड़ेगा। ये किसान हमारे बीजू, कमर कमर है बीजू के, बीजू इसमें निंदाई कितनी बार की है? दो बार निंदाई की है कुल। दवाई कितनी डाली है इसमें? दो बार। कितने रुपए खर्चा है दवाई का और निंदाई का? करीबन करीब 10,000 का कुल खर्चा आया इसमें। और ये करीबन 2.5 एकड़ में है, ये देखो, तो 10,000 का खर्चा आया। हमने 10,000 की सोयाबीन 1 क्विंटल बोई है, पूरा मूल्य दवाई खाद और निंदाई हो गई है इसमें। खाद तो अभी दी नहीं है और खाद देगा आप, वो देखा आपने, कमाल कर दिया ना कपास। अब हमें पीछे लौटना होगा, पिछले युग में कपास की ही खेती करना। अच्छा बीज है ये देखो बीज,